वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे बाटा इंडिया लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे। इन इस वीडियो में देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहने वाले हैं। तो जब लास्ट में हमने इस वीडियो बाटा इंडिया का एनालिसिस किया था, तो बाटा इंडिया यहाँ से फॉल हो रहा था, राइट। इन लेवल से बाटा इंडिया फॉल हो रहा था, तब मैंने आपको बता रखा था कि सबसे पहले हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे ये बहुत छोटे छोटे दो कैंडल बना के रखा है, ठीक है, और एक सपोर्ट जोन के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये दोनों कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ से एक रिवर्सल हम लोग प्लान कर सकते हैं, और ये रिवर्सल हो सकता है फिर से आगे जल्दी हिट ना हो, क्योंकि एक बार यहाँ पे हिट हुआ तो देखिए अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया, फिर से हिट हो रहा है और ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल पास में है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ पे इस मंथ में हॉल टाइप सिचुएशन चल रहा है। तो अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, तो हम लोग को एक अच्छा यहाँ पे एक ऊपर की ओर मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि इसको कुछ नहीं तो लगभग लगभग 1700 के आसपास लेके जा सकता है, राइट। अभी इस मंथ में एक दो वीक यहाँ पे बाकी है ट्रेडिंग सेशन, और एक छोटा सा कैंडल हम लोग को फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे चलेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत बड़ा मोमेंटम फर्स्ट वीक में हुआ, उसके बाद 2 वीक रुकने के बाद ये स्लोली मोमेंटम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। बहुत बड़ा ये 1 वीक टाइप का मोमेंटम यहाँ पे हम लोग को अभी देखने को नहीं मिल रहा है, जिस जो ये फास्ट मोमेंटम हुआ करता था, ये चौपीनेस वाला एक मोमेंटम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। हम लोग वेट कर रहे हैं इस तरीके का मोमेंटम का, लेकिन इस तरीके का मोमेंटम हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो जब तक तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकल जाता, तब तक ऐसे मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। और जब हमारे यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है, अब ये देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड लाइन से ही हम कहीं ना कहीं इसने रिजेक्शन लिया है, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 2 वीक यहाँ पे ये रुक चुका है, तो एक ये बड़ा प्राइस एक्शन पैटर्न बनाने के बाद 2 वीक रुका है, और उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है तो ये सस्टेन करेगा एंड ऊपर की ओर यहाँ पे 1655 एंड उसके बाद लगभग लगभग 1700 का जो लेवल है, इतना यहाँ पे हो सकता है ये रैली करें एंड उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाने की कोशिश करें। तो ये अभी इस वीक में तो यहाँ पे रुक गया है, तो 2 वीक का हॉल्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीक में अगर इसका ब्रेकआउट होता है इस कैंडल के हाई का 1566, हम ऊपर की थोड़ी सी प्लानिंग के बारे में सोच सकते हैं और इन लेवल्स के आसपास हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए लंबे समय के लिए निवेश करना है तो अच्छा शेयर है, अगर हम लोग अगर इसको देखेंगे, इसका फंडामेंटल जाके चेक करेंगे, तो अगर आपको फंडामेंटली अच्छा लगता है, आपको टेक्निकली अच्छा लगता है, तभी आप अपने डिसीजन के ऊपर ही सारा डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ इसकी टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ, राइट। तो जिस तरीके से मंथली में पहला मंथ यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बनाया, फिर से इस मंथ में हॉल्ट कर रहा है, हो सकता है 1-2 मंथ ये ऊपर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि टेक्निकली इसी तरीके से साउंड कर रहा है। यहाँ से फर्स्ट टाइम ये ऊपर गया था, फिर इन लेवल्स के आसपास आया, फिर से इन लेवल्स के आसपास यहाँ पे आया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ये बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। आप सभी को पता होगा फर्स्ट बाउंस बैक में ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, मतलब ये जो हायर हाई वाला फॉर्मेशन है वीकली टाइम फ्रेम पे ये फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है, राइट। तो नेक्स्ट वीक में अगर ये यहाँ पे लगभग लगभग 1655 का लेवल निकालता है, तो फिर से और ऊपर वाले लेवल्स लगभग लगभग 1655 तक के हमको देखने को मिलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसको हम लोग देखेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये 2-4 दिनों से यहाँ पे देखेंगे कुछ इनसाइड कैंडल जैसी सिचुएशन है, एग्जैक्टली वैसे ही नहीं है, लेकिन मोटी मोटा इनसाइड कैंडल में भी एक रेंज होता है, और यहाँ पे भी सेम ऐसा ही सिनारियो हम लोगों को नजर आ रही है, देख रहे हैं सेम इसी तरीके का सिनारियो नजर आ रहा है। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो होने वाला है, ठीक है, लगभग लगभग 1566 का पहला लेवल होगा एंड उसके बाद 1576 के आसपास का लेवल होगा। इसको समझने के लिए हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न ये बहुत दिनों से बना रहा था, राइट। तो इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा था, जिससे ये क्या हुआ है, यहाँ पे बाहर आ गया है। अभी देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है इसने, ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ओपन होके तुरंत इसके अंदर क्लोजिंग दे देता है, तो इसके अंदर ये ऐसा मान के हम चलेंगे, फिर ये इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, इसका ऐसा लगा के छोटी सी प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये जो भी प्लानिंग होगी, ठीक है, ये यहाँ पे जब 1550 का लेवल ब्रेकआउट देगा, तब हमको 1560 एंड 1566 वाला दूसरा लेवल दिखा सकता है। एंड अगर यहाँ पे ये इन लेवल्स को ब्रेक डाउन करता है, तो नीचे के लिए हम लोग को 1488 के लेवल के लिए रेडी रहना चाहिए। देखिए जो भी आपको डिसीजन लेना है, फाइनल डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए, कितना रिस्क लेना है, किस पॉइंट पर एंट्री लेना है, कितना एसएल लेना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, पसंद आएगी लाइक कर सकते हैं, चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।